शनिदेव 11 फरवरी को शाम 6:56 मिनट पर कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। शनि के अस्त होने से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है, तो वहीं कुछ राशियों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार शनि कुंभ राशि में ही 26 मार्च को सुबह 5:20 पर उदय हो जाएंगे। शनि के अस्त होने से कुछ राशियों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि के कुंभ राशि में अस्त होने से राशियों को लाभ तो होगा ही, इसके साथ ही राशियों को संभल कर रहने की जरूरत भी है। इस साल शनि देव अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन समय समय पर उनकी स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए शनि के अस्त होने से किन राशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, किन राशियों के जातकों को सावधान रहना होगा। ये ज्योतिष और पंचांग के अनुसार 11 फरवरी 2024 को शनि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहा है। यह शनि का राशि परिवर्तन नहीं है और वह अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में ही रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव जो है वह एक अलग प्रभाव शनि हमको दिखाएगा, क्योंकि वह अस्त की स्थिति में रहेगा। कुछ राशियों के लिए यह लाभदायक भी रहेगा, कुछ राशियों को सावधानी की जरूरत है, क्योंकि शनि के अस्त होने से कुछ राशियों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट हो सकता है। और यह जो समय अवधि है बहुत लिमिटेड है, थोड़े दिनों के लिए स्थिति है, पर शनि जो है उदय होगा। तो वर्तमान में शनि जो अस्त होगा 11 फरवरी 2024 को अस्त होगा, इसमें मेष राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, इन तीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा यह समय कहना चाहिए मिश्रित रहेगा। बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा अशुभ फल देने वाला भी नहीं रहेगा। मेष राशि के लिए 11वें भाव में शनि अस्त होगा, वृषभ राशि के लिए 10वें भाव में शनि अस्त होगा और कन्या राशि के लिए 6वें भाव में यह शनि जो है अस्त हो रहा है। तो इनके करियर पर, इनके व्यवसाय में, इनके बिजनेस पर, इन तीन राशि वालों के करियर, व्यवसाय, बिजनेस के ऊपर उसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव रहेगा, प्रभाव रहेगा, और दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव रहेगा। पारिवारिक, जैसे कन्या राशि वालों के पारिवारिक जीवन पर प्रभाव रहेगा, किसी परिजन के स्वास्थ्य इत्यादि में गिरावट दिख सकती है। वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में कुछ समय के लिए व्यवधान आ सकता है। इसी प्रकार इन तीन राशि वालों को कुछ यह मिश्रित फल देने वाला रहेगा।